नमस्कार, मैं हूँ तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। भारतीय रुपया नित नए रसातल में गिर रहा है और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने की खबरें आए दिन छप रही है। दरअसल रुपए की कीमत में गिरावट कोई नई बात नहीं है और यह आजादी के बाद से काफी गिर चुका है, लेकिन उसके बहुत से कारण है। फिर भी जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में आया था, तब से लेकर भी रुपए में अब तक लगभग 42% गिरावट आ चुकी है, जो काफी ज्यादा है। जिस दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार शपथ ग्रहण की थी, उस दिन यानी 26 मई 2040 को भारत रिजर्व बैंक का आकाइव के मुताबिक अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपया 58.58 के स्तर पर बंद हुआ था और आज यानी 20 अक्टूबर 2022 को कारोबार के दौरान रुपया 83.12 के स्तर पर पहुंच गया है, जो 41.89% ज्यादा है। यही नहीं, 3 मई 2004 को भी अमेरिकी डॉलर का भाव 44.97 रुपए था और अगले 10 साल में इसमें 30.26% की गिरावट दर्ज की गई है। अब पिछले 8 साल में रुपए आई गिरावट ऐतिहासिक है और यह मोदी काल में लगभग 42% की गिरावट के साथ 83 रुपए का स्तर पार कर चुका है। विदेशी मुद्रा कारोबार के दौरान बुधवार को भी रुपए ने अमेरिकी डॉलर की तुलना में 83 का स्तर पार कर लिया था, लेकिन बंद यह 82.37 पर हुआ था। लेकिन गुरुवार को एक बार फिर यह कारोबार के दौरान 83 रुपए का स्तर पार कर सबसे निचले स्तर 83.12 तक पहुँच गया है।